नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मां की जिद ने बेटियों को बनाया ऑफिसर। छठ पर्व पर बिहार के लिए चलेगी 124 पूजा स्पेशल ट्रेन। ऋषि सुनक के ब्रिटेन के पीएम बनने पर शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस को दी नसीहत। पटना में विधायकों के लिए आवास बनकर तैयार। के श्रीकांत ने हार्दिक के लिए कही बात। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। छठ पर्व पर बिहार के लिए चलेगी 124 पूजा स्पेशल ट्रेन। छठ पर्व पर यात्रियों की सुविधा देने के लिए भारतीय रेलवे के द्वारा 124 पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। बता दें कि पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी ने बताया है कि पटना, दानापुर, पाटलिपुत्र, गया के लिए 50, दरभंगा, सहरसा, सीतामढ़ी, रक्सौल तक आने जाने के लिए 34 व पूर्व मध्य रेल के विभिन्न स्टेशनों से 24 पूजा स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। गौरतलब है कि कोरोना के प्रसार में कमी होने के कारण बिहार आने वाले लोगों की जनसंख्या में काफी वृद्धि हो गई है, जिस वजह से ट्रेनों में टिकट मिल पाना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। इन्हीं परेशानियों को देखते हुए रेलवे के द्वारा 124 पूजा स्पेशल ट्रेन को चलाने का निर्णय लिया गया है। मद्य निषेध निबंधन विभाग ने रद्द की छठ की छुट्टियां। मद्य निषेध निबंधन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर कहा गया है कि छठ पूजा के लिए घोषित अवकाश अवधियों में सभी निबंधन कार्यालय सामान्य दिनों की तरह खुले रहेंगे। इस अधिसूचना के अनुसार इस दौरान अभिलेखों का डिजिटाइजेशन एवं मॉडल डी से संबंधित सभी कार्यों का निर्देश दिया गया है। इस अवधि में अगर कोई व्यक्ति दस्तावेज का निबंधन करवाना चाहते हैं तो वो करवा सकते हैं, क्योंकि निबंधन से जुड़े सभी काम सामान्य तरीकों से पूरे किए जाएंगे। माँ की जिद ने बेटियों को बनाया ऑफिसर। फिल्म दंगल की कहानी के जैसे ही एक कहानी बिहार के सिवान जिले के सामने आई है, लेकिन सिवान जिले की इस कहानी में एक माँ की संघर्ष की कहानी है जो अपनी दोनों बेटियों को ऑफिसर बनवाती है। इस संघर्ष के दौरान सोनमती देवी को कई प्रकार के ताने भी सुनने को मिलते हैं, लेकिन आज वो अपनी दोनों बेटियों को बिहार स्पेशल आर्म्स पुलिस में कमांडो बनाकर यह साबित कर दी है कि माँ अपनी संतान के लिए किसी भी हद तक गुजर सकती है। बता दें कि लोगों के तानों की वजह से सोनमती देवी ने अपनी बेटियों को लेकर रात 1 बजे से दौड़ती थी और करीब 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद उनकी बेटियों को सफलता मिली है। सोनमती देवी की बड़ी बेटी पिनिता राजगीर में बिहार दरोगा कमांडो ट्रेनर है, जबकि दूसरी बेटी छोटी पूजा कुमारी बोधगया में BSAP कमांडो के पद पर कार्यरत है। 2 दिन बाद शुरू होगा लोक आस्था का महापर्व छठ। लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत 2 दिनों में होने वाली है। ऐसे में एक तरफ जहां लोग बिहार आना शुरू कर दिए हैं, वहीं दूसरी ओर छठ से जुड़ी सभी तैयारियां भी पूरी की जा रही है। प्रशासन की ओर से गंगा घाटों पर खास व्यवस्था की जा रही है। सभी घाटों को दुरुस्त किया जा रहा है। अब घाटों की साफ सफाई और सजाने के कामों को अंतिम रूप देने का काम किया जा रहा है। वहीं बाजार में भी अब छठ से जुड़ी सभी चीजें मिलने लगी है। लोग छठ में इस्तेमाल किए जाने वाले सभी चीजों की खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। इन दिनों सभी चीजों की मूल्य में काफी बढ़ोतरी हो जाती है और सभी सामग्री की कीमतें आसमान छूने लगती है। गया में ब्रेक फेल होने से मालगाड़ी बेपटरी। बिहार के गया जिले में मालगाड़ी के ब्रेक फेल होने की वजह से 58 में से 53 डिब्बे पटरी से उतर गए और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। इस हादसे के बाद गया से कोडरमा रेलखंड का परिचालन बाधित हो गया है। बता दें कि मालगाड़ी हजारीबाग टाउन से नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन दादरी जा रही थी। यह घटना बुधवार यानी कि आज सुबह 6:30 बजे गुड़पा स्टेशन के पास घटित हुई है। मिली जानकारी के अनुसार मालगाड़ी का एक्सीडेंट ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ है। हालांकि इस घटना में ट्रेन का लोको पायलट और गार्ड सुरक्षित है। टीवी सीरियल की पार्वती ने की पवन संग छठ पूजा। छठ पर्व में अगर छठ गीत ना हो तो त्योहार का मजा अधूरा रह जाता है। ऐसे में टीवी सीरियल की पार्वती यानी कि पूजा बनर्जी ने भी भोजपुरी नेता पवन सिंह के साथ छठ गीत उगी सूरज देव गाने को भी YouTube चैनल पर रिलीज किया गया है। दर्शकों को यह गीत खूब पसंद आ रहा है। बता दें कि अब तक इस वीडियो को 34,000 लाइक्स मिल चुके हैं। इस वीडियो सॉन्ग में पवन सिंह कुर्ता पाजामा में नजर आ रहे हैं, तो वहीं पूजा बनर्जी साड़ी में दिख रही है। इस गाने में ये दोनों पति पत्नी का किरदार निभा रहे हैं और सूर्य देवता के उगने का इंतजार कर रहे हैं। इस गीत को पवन सिंह और खुशबू जैन के द्वारा गाया गया है। वहीं इसके लिरिक्स अरुण बिहारी के द्वारा लिखी गई है।
पटना में विधायकों के लिए आवास बनकर तैयार। बिहार की राजधानी पटना में स्थित वीरचंद पटेल पर 243 विधायकों का आवास बनकर तैयार हो गया है। विधायकों के लिए बनाए गए इस आवास का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया जा रहा है। इस आवास का निर्माण बिहार सरकार की ओर से केवल विधायकों के लिए करवाया गया है। आवास के उद्घाटन समारोह में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी भी मौजूद रहे। वहीं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष अवध चौधरी के द्वारा की गई है। फिलहाल अभी तक केवल 75 सदस्यों के लिए ही आवास का निर्माण करवाया जा सका है। बाकी बचे आवास के निर्माण में अभी कुछ और समय लग सकता है। मुस्लिम महिला कैदी करेगी छठ। बिहार के सिवान में जेल के अंदर बंद मुस्लिम महिला कैदी कई महिलाओं के साथ छठ पूजा करेगी। जेल प्रशासन के द्वारा कैदियों के लिए वस्त्र के साथ साथ सभी पूजा सामग्री का प्रबंध किया गया है। वहीं अर्घ्य देने के लिए जेल के अंदर ही सीमेंटेड तालाब भी बनाए गए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि इस बार जेल में बंद 15 महिला कैदी छठ करेगी, जिनमें से एक मुस्लिम महिला रुखसाना भी शामिल है। रुखसाना ने 2021 में छठ पर्व की मन्नत मांगी थी और उपवास किया था। वहीं इस बार भी वह छठ करेंगी। बता दें कि जेल में जिस हिस्से में छठ किया जाएगा उस हिस्से को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। वहीं जेल प्रशासन के द्वारा कैदियों को वो सभी चीजें मुहैया करवाई जाएंगी जो उन्हें छठ करने के लिए चाहिए होती है। ऋषि सुनक के ब्रिटेन के पीएम बनने पर शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस को दी नसीहत। भारत पर 200 वर्षों तक शासन करने वाले ब्रिटेन का पहली बार कोई भारतवासी प्रधानमंत्री बनेगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद पर भारतवासी ऋषि सुनक का विराजमान होना कांग्रेस के नेताओं के लिए बेशक राजनीति का मौका होगा, लेकिन ये सभी देशवासियों के लिए खुशी का मौका है। शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि वे सभी तुष्टिकरण की राजनीति न करें। ऋषि सुनक के कारण पूरा भारत देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है। कांग्रेस के सभी नेता भी इस खुशी में शामिल हो। पीके मांझी के बयान पर तेजस्वी ने दी ठंडक। प्रशांत किशोर और जीतन राम मांझी के किए गए दावे के बाद कि नीतीश कुमार कभी भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, इसके बाद सियासत गर्मा सी गई है। ऐसे में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा इसे सिरे से खारिज कर दिया गया है और इन सभी खबरों को अफवाह बताया गया है। बता दें कि बीते दिन मंगलवार को तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सभी 7 पार्टियां एकजुट है। तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन सरकार ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में नौकरियां देने का काम चालू कर दिया है, जिसकी नकल पीएम मोदी भी खुद कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ढोंग कर रहे हैं कि वे नकल नहीं कर रहे। बिहार में अब बीजेपी की तोड़फोड़ की नीति नहीं चलने वाली। हम अब सब साथ मिलकर बिहार को आगे बढ़ाएंगे। हालांकि अब तक नीतीश कुमार के द्वारा एनडीए में उनकी वापसी की अटकलों को लेकर कुछ नहीं कहा गया है। सुशील मोदी का सीएम नीतीश पर बड़ा आरोप। बिहार के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में लड़कियों के आरक्षण को लेकर भाजपा सांसद सुशील मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार भूल गए हैं कि वे बिहार के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़कियों को 33% का आरक्षण देने वाले थे। सुशील मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार की ओर से ही पहली बार बिहार के स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण लागू किया गया था। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को जल्द से जल्द मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में लड़कियों के 33% आरक्षण को लेकर काम करना चाहिए। इस आरक्षण के नहीं मिलने से 3000 बेटियां इंजीनियर और 700 बेटियां डॉक्टर बनने से वंचित रह जाएंगी। नीतीश के घर से बिहार को साधेंगे अमित शाह। सीएम नीतीश कुमार के महागठबंधन में शामिल होने के बाद केंद्रीय मंत्री अमित शाह तीसरी बार बिहार दौरे पर है। बता दें कि इस बार अमित शाह का कार्यक्रम नीतीश कुमार का घर नालंदा में होने वाला है। अमित शाह का यह कार्यक्रम नवंबर महीने के पहले सप्ताह में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान वे बीजेपी के बूथ अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करेंगे और पिछली बार की तरह नीतीश कुमार पर निशाना साधेंगे। इससे पहले भी अमित शाह सितंबर में 2 दिनों के सीमांचल दौरे पर 23 और 24 सितंबर को पूर्णिया और किशनगंज आए थे। वहीं दूसरी बार 11 अक्टूबर को छपरा के सिताब दियारा में जेपी जयंती के मौके पर अमित शाह बिहार पहुंचे थे। खड़गे ने संभाला कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को यानी कि आज कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। उन्हें आज औपचारिक रूप से निर्वाचन पत्र सौंपा गया। इस कार्यक्रम में सोनिया गांधी, राहुल गांधी,
प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे पदभार संभालने से पहले राजघाट पहुंचे, जहां उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। खड़गे ने अपने प्रतिद्वंदी शशि थरूर को पार्टी के शीर्ष पद की दौड़ में भारी अंतर से हराया और करीब 24 वर्ष बाद पद संभालने वाले गैर गांधी बन गए। बताते चले कि 17 अक्टूबर को खड़गे को अध्यक्ष पद चुनाव में 7,897 वोट मिले थे, जबकि उनके प्रतिद्वंदी शशि थरूर को केवल 1,072 वोट मिले थे। इसके अलावा खड़गे जल्द ही हिमाचल प्रदेश और गुजरात जैसे चुनावी राज्यों का दौरा कर सकते हैं। के श्रीकांत ने हार्दिक के लिए कही बात। T20 वर्ल्ड कप 2022 में हार्दिक पांड्या की ऑलराउंड प्रदर्शन को देखकर 1983 वर्ल्ड कप टीम के सदस्य कृष्ण मचाली श्रीकांत ने उनकी खूब तारीफ की। मैच के बाद के एस श्रीकांत ने मीडिया से बातचीत करते हुए हार्दिक से कहा कि जब आप मैदान में बॉल बैट और फील्डिंग में अपना योगदान देते हैं तो मुझे कपिल देव की याद आ जाती है। जिसके बाद हार्दिक ने इस कमेंट पर के एस श्रीकांत को शुक्रिया अदा किया। बता दें कि हार्दिक ने मेलबर्न में पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए मैच में 3 विकेट लेकर पाकिस्तान को बैकफुट पर धकेला था और उन्होंने कोहली के साथ मिलकर 113 रन की बहुमूल्य साझेदारी की थी। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में बुधवार यानी कि आज पेट्रोल डीजल की रेट जारी कर दी गई है, जिसके बाद भागलपुर, दरभंगा, मोतिहारी, गोपालगंज, सिवान, अररिया, बांका, बक्सर, दरभंगा, मोतिहारी, भभुआ, खगड़िया समेत कई जिलों में पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया है। भागलपुर में बुधवार को पेट्रोल के रेट में 21 पैसे और डीजल में 19 पैसे प्रति लीटर की गिरावट आई है। वहीं पटना, मुजफ्फरपुर, गया समेत कुछ शहरों में तेल के रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि पूर्णिया में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 11 पैसे प्रति लीटर का इजाफा भी हुआ है। साथ ही अगर राजधानी पटना की बात करें तो पटना में पेट्रोल 107.24 रुपए प्रति लीटर और डीजल 94.04 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मृत्युंजय कुमार, रंजीत मिश्रा, शंकर मुखिया, उमेश ऋषिदेव, राकेश शर्मा, नुन्नू कुमार, कविता कुमारी, रवि शंकर झा, निखिल, संजीत कुमार सुमन, समीम राज, अनवर करीम खान, रवि मोहन वर्मा, पवन, राम प्रवेश कुमार, केके सिन्हा। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आप सभी की छठ पूजा की तैयारियां कैसी चल रही है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।